पिशावर। मुल्की नामवर तामीराती कंपनी फलक नाज ग्रुप ने डिस्कवरी गार्डन की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इस्लामाबाद के मकामी होटल में की। चेयरमैन फलक नाज ग्रुप ने कहा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को स्टेट ऑफ द आर्ट रिहायशी मंसूबा दे रहे हैं। साल से तामीरात के शोबे में जुड़े नामवर नाम फलकनाज ग्रुप ने कराची से इस्लामाबाद का रुख कर लिया। इस्लामाबाद के निजी होटल में डिस्कवरी गार्डन की संगे बुनियाद रखने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन फलकनाज ग्रुप, दीगर हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फलकनाज ग्रुप के चेयरमैन शकील इलियास ने कहा कि मुल्क में सालाना 3 लाख घर तामीर करने की जरूरत है, जबकि निश्चित तामीर किए जा रहे हैं। इस फर्क को खत्म करने के लिए फलकनाज अपनी काविश जारी रखे हुए है, जुड़वा शहरों में स्टेट ऑफ द आर्ट सोसाइटी बना रहे। एंटरटेनमेंट हब हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें वर्ल्ड क्लास जो वो एमिनिटीज होंगी जो रहने वालों के अलावा इस पूरे शहर को एक एंटरटेनमेंट हब प्रोवाइड करेगा। तो वो बेसिक हमारा वो थीम वही है, एंड आई होप कि जब ये डिलीवर करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शन जो टूरिस्ट और एंटरटेनमेंट पर्पस के यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। तकरीब के शुरका ने फलकनाज ग्रुप के प्रोजेक्ट पर एतमाद का इजहार किया। फलकनाज द नेम ऑफ रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह वी फील प्राइड। ये कहते हुए हमें बड़ा फख्र महसूस होता है कि एक से लगेसी है पिछले 50 साल की, जिसमें इन तमाम प्रोजेक्टों को और इस रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आई मायसेल्फ द सेकंड जनरेशन एंड नाउ द थर्ड जनरेशन जो फैमिली बिजनेस में वो अपनी जो है सर्विसेज दे रही है। तो तकरीब में शुरका ने कराची के बाद इस्लामाबाद में फलकनाज ग्रुप के कामयाब प्रोजेक्ट को सराहा।